बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, पीआरवी वाहनों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल ने किया। एनएच 235 पर निकाली गई तिरंगा पीआरवी वाहन यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस प्रशासन ने की पहल। चौराहे से गुलाबठी टोल तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, पीआरपी वाहनों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल ने किया। एनएच 235 पर निकाली गई तिरंगा पीआरपी वाहन यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस प्रशासन ने की पहल। चौराहा से गुलाबठी टोल तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। कानपुर देहात में एक बड़ा हादसा। कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है, तेज बारिश से स्कूल की गिरी दीवार। हादसे में दो बच्चों की दर्दनाक मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे की घटना बताई जा रही है। कानपुर देहात में एक बड़ा हादसा। कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है, तेज बारिश से स्कूल की गिरी दीवार। हादसे में दो बच्चों की दर्दनाक मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे का मामला। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, घायलों की हालत कैसे बताई जा रही है और कौन से स्कूल की घटना बताई जा रही है? जी, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन से स्कूल घटना है, लेकिन ये तेज बारिश के चलते स्कूल की जो बाउंड्री थी वो गिर गई थी, जिसमें लगभग दो बच्चे, कई बच्चों की दबे होने की संभावना थी, जिसमें जब बच्चों को निकाला गया तो उसमें दो बच्चे मृत हो चुके थे और बाकी तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जो की जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि इस तरीके की जो बिल्डिंगें जो जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई ना करके ऐसे स्कूल यूं ही स्कूल चलते रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और परिवारजनों के लिए बहुत बड़ी गंभीर विषय है ये। अनिल, अगर स्कूल की बात करी जाए तो क्या वो पहले से ही जर्जर व्यवस्था में था या फिर तेज बारिश का कहर है ये? स्कूल लगभग कानपुर देहात में जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों की स्थिति बिल्कुल जर्जर स्थिति है। हालांकि कई बार जब हमने इस स्थिति को लेकर जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो जिम्मेदारान थे कहीं ना कहीं हमारे कैमरे से बचते नजर आए, और स्थितियां इस तरह बने रही तो कहीं ना कहीं आगे एक बड़ी घटना होने की भी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, अगली खबर भी बने रही है, जानकारी देते रहिए। इस खबर पर हमारे कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़े थे। कानपुर से खबर सामने आ रही, यूपीएसटीएफ को मिली एक बड़ी सफलता। यूपीएसटीएफ ने एक और आतंकी को किया गिरफ्तार। एटीएस ने आतंकी हबीबुल को कानपुर से किया गिरफ्तार। वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है हबीबुल। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। यूपीएसटीएफ ने एक और आतंकी को किया गिरफ्तार। इस खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, बड़ी सफलता हाथ लगी है एटीएस को, पूरी जानकारी चाहेंगे आतंकवादी के बारे में। जी, मैं बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश एटीएस को नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को सेंध लगाने की तैयारी चल रही थी। एटीएस ने फतेहपुर से जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हबीबुल इस्लाम है, जो कि फतेहपुर का रहने वाला है। और एटीएस टीम ने आतंकवादी को कल शाम को गिरफ्तार कर कानपुर लाके पूरी पूछताछ की है। मैं बता दूं कि ये लगभग जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी है, अभी फतेहपुर से इसको गिरफ्तार किया गया था कुछ समय पहले, 12 तारीख को पश्चिम से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते पूछताछ में उसने फतेहपुर के निवासी का नाम बताया था, जो कि अफगानिस्तान के कई जुड़ा हुआ था और ये वर्चुअल आईडी बनाने बहुत एक्सपर्ट है। लगभग 50 से 60 वर्चुअल आईडी बनाकर इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को जो आतंकवादी संगठन है उनको सौंपी थी। जी बिल्कुल, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी यूपी एटीएस की? क्या इसके परिवार से भी बात की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और बाकी गिरोह तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाएगी यूपी एटीएस?
यूपी एटीएस ने इस 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है और जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। और अभी वर्तमान में जो दो आतंकवादी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं एक यूपी एटीएस की बहुत बड़ी सफलता है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से साफ साफ दिख रहा है कि यूपी एटीएस इन सब चीजों को लेकर बहुत ही सक्रिय हो चुकी है। और मैं बता दूं कि जो सैफुल्ला पकड़ा गया है, इसकी उम्र बहुत ही कम, 19 साल की है और ये अभी मदरसे से पढ़ाई इसने की है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यूपी एटीएस को आगे कितनी सफलता मिलती है और यूपी एटीएस लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है चीज को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़े थे कानपुर नगर से। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।